हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ शैलजा और मेरे चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री होके बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैंने अभी को लंच करा दिया है, इसके साथ ही जो मेरा सुबह वाला काम रहता है वो सारा भी हो गया है। और अभी मैंने लंच नहीं किया है, तो आज मैंने लंच में छोले बनाए थे, छोले और राइस। तो जो छोले थे वो थोड़े ज़्यादा बन गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भटूरे बना लेती हूँ शाम को। तो शाम को मैं छोले भटूरे बनाऊँगी, तो उसके लिए अभी जो मैदा है मैं अभी कूट के रख दूँगी, जिससे जो मैदा है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। इसके साथ ही मैंने कुछ वॉक का कंडीशनर मंगाया था, तो वो भी आ गया है पार्सल। तो एक्चुअली आजकल purple.com का बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस पर सेल चल रही है, तो मैंने सोचा था मैं फ़र्स्ट टाइम purple.com से ही मंगा लेती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम कुछ purple.com से मंगा रही थी, तो जब मैंने उसमें उसका प्राइस देखा तो purple.com पे उसका प्राइस 395 था और अमेज़ॉन पे 335। तो वैसे भी हम लोग सारा सामान अपना अमेज़ॉन से ही मंगाते हैं, जो इस तरह का मंगाते हैं ग्रॉसरी का या कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स या जो डेली वगैरह शैम्पू कंडीशनर इस तरह का यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसा होता है वाओ का कंडीशनर। इसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे तो काफ़ी अच्छे थे कि बहुत अच्छा है ड्राई और फ्रेजी हेयर के लिए, तो मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। वैसे मैं डव का कंडीशनर यूज़ करती हूँ, डव का भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने भटूरे का आटा गूंथने के लिए एक बड़ा सा परात ले लिया है, इसी में मैं गूंथूंगी। एक्चुअली मेरी आटा गूंथने वाली परात है, और यहाँ पे ये मैदे का पैकेट रखा हुआ है, बटर मिल्क, और ये बॉक्स है, इसमें इनो रखती हूँ मैं, और डोमिनोज के जो ऑर्गेनो वगैरह के जो पाउच रहते हैं। तो ये इनो मैंने देखा भी एक ही बचा हुआ था, साथ ही मैंने थोड़ा बटर मिल्क और रखा हुआ है, अगर ज़्यादा ज़रूरत हुआ तो उससे और भी ले लूँगी। बस मैंने एक कैसरोल भी रख लिया है, इसमें मैं आटा गूंथने के बाद इसमें रख दूँगी। कर लिया और अभी को भी सुला दिया है, तो अभी मैं कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ, तो मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। कस्टर्ड के लिए मेरे पास ज़्यादा फ्रूट्स तो नहीं, पर ग्रेप्स और बनाना है, तो उससे काम चल जाएगा, क्योंकि हम दो लोग को ही खाना है। और क्योंकि अभी को जो मैं कस्टर्ड खिलाती हूँ उसमें मैं फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो फ्रूट्स वाला कस्टर्ड नहीं खा पाता है अभी। कस्टर्ड बना दिया, और कस्टर्ड बनाने के बाद अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो जो मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन होती हूँ वो मैं इसी तरह से करती हूँ, जो अभी दोपहर में सो जाता है। तो मैं सब्जी वगैरह बना के रख लेती हूँ, आटा तो मैं शाम को ही गूँथ देती हूँ, ज़रूरी नहीं दोपहर में नहीं गूँथती हूँ। आज तो भटूरे का आटा था, इस वजह से मैंने गूँथ दिया अभी को लंच कराने के बाद, क्योंकि जब अभी शाम को सोकर उठता है तो मैं उसको नीचे ले जाती हूँ खेलने के लिए, फिर शाम को फिर इसके साथ इसको फिर अभी के लिए कुछ खाना बनाकर इसको खिलाती हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मेरा कोई भी काम रहता है तो मैं कर लेती हूँ। इसके साथ ही भी मेरे कपड़े जो फैलाए थे वो भी सूख गए, तो उनको मैं उतार के फोल्ड करूँगी, और अभी उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, और फिर शाम को मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। मैं अभी को पार्क में ले गई थी, जहाँ पर अभी अपनी बॉल से खेल रहा है। अभी को पार्क से लाने के बाद मैंने शाम के डिनर के लिए तैयारी करी, जैसे अनियन कट किया बड़े छोले के लिए, साथ ही कस्टर्ड में भी फ्रूट्स डाल दिए, और छोले भी गरम करने के लिए पैन में निकाल दिए, और कढ़ाई भी चढ़ा दिए। बस अब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएं, तो फिर मैं अपना जो भटूरे वो बना लूँ। तो आज मेरे हबी बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो मैंने बस फिर उसके आगे मैंने व्लॉग नहीं बनाया बस, और मैंने उनका ये खाने का प्लेट लगा दिया है। आपको भटूरे जो है मैंने इसके एक्स्ट्रा ऑयल जो ऊपर लगा रहता है उसे पोंछ दिया, इस वजह से आपको इस तरह से लग रहे हैं। तो मैं इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये मेरा
व्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।